हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे नव उदय बैच के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने शुरू के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले शुरू के 2 लेक्चर्स देख लीजिए, उसके बाद में लेक्चर नंबर 3 देखना स्टार्ट कीजिए। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो एजेंडा होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। नंबर्स की प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। पहले तो प्रॉपर्टीज का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, फिर उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वैलिड होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी किसमें वैलिड होगी किसमें नहीं होगी। तो हम जो 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ेंगे उन चारों प्रॉपर्टीज़ के नाम होंगे हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज के लेक्चर में हम शुरू की 2 प्रॉपर्टीज यानी क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर में हम लोग एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी है क्लोजर प्रॉपर्टी। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, हम जब लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे ना उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स का मतलब है कि हम रैशनल नंबर्स को ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, डिवाइड कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चंस करवा के आप लोगों को ये समझाऊंगा। वैसे तो आप लोगों को 7th क्लास में ये चीज़ पढ़ा दी गई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी ने 7th अच्छे से नहीं पढ़ी है तो वो वहाँ पर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, मैं उनको यूज करूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ आप लोगों को डाउट नहीं आए, आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, लेक्चर नंबर 6 देख के फिर ये वाला लेक्चर नंबर स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम 2-3 छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ वो चीज़ें यूज की है मैंने डेफिनेशन में तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो, जैसे यहां मैंने लिखा है 2+3=5। तो यहां क्या है, जो 2 चीजों को मैं ऐड कर रहा हूं ना, जिन 2 चीजों को यानी 2 और 3, ये कहलाते हैं ऑपरेंड्स। क्या बोला जाता है इनको, ऑपरेंड्स। और इन दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर मैं एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, उस ऑपरेशन को क्या बोल रहे हैं हम यहां पर, एडिशन। मतलब एडिशन हमारा ऑपरेशन है और ये दोनों हमारे ऑपरेंड्स हैं। और इसके बाद में जब हमारा रिजल्ट आया है वो कितना है, 5 है। तो आई होप आप लोगों को ऑपरेंड्स का मतलब समझ में आ गया होगा, ऑपरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, रिजल्ट क्या होता है, जो फाइनल हमारा रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा ये होगा 5। अब ये सारे टर्म्स यहाँ डेफिनेशन में यूज हुए हैं क्लोजर प्रॉपर्टी में, इसलिए आप लोगों को समझ, मैंने पहले इनको क्या कर दिया, समझा दिया। तो देखो क्या बोला है, रिजल्ट ऑफ द मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स के ऊपर ही किया जाएगा ऑपरेशन। तो भाई 2 नंबर्स होंगे उनको ऐड करोगे तो जो दोनों नंबर्स है वो हमारे ऑपरेंड्स है, उनके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एज द ऑपरेंड्स। अब इसका क्या मतलब है वो समझो। देखो जैसे 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 3 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर है। दोनों के ऊपर हमने एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमारा रिजल्ट आया 5। ये जो 5 जो रिजल्ट है वो भी क्या, हमने जो दोनों नंबर्स लिए थे वो नेचुरल नंबर्स उठाए थे, तो जो क्या रिजल्ट आ रहा है क्या वो भी नेचुरल नंबर आ रहा है। मतलब हमारे जो ऑपरेंड जिस ग्रुप से बिलोंग करते थे, रिजल्ट भी क्या उसी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हम एक एक करके आप देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखे हैं, यानी नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिड होता है क्या, होल नंबर्स के लिए होता है क्या, इंटीजर्स के लिए होता है क्या, रैशनल नंबर्स के लिए होता है क्या, एडिशन में वैलिड होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लीकेशन में होता है, डिवीजन में होता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स के लिए सोचते हैं कि एडिशन करके देखते हैं। भाई 2 नेचुरल नंबर उठाते हैं, दोनों को ऐड करके देखते हैं, अगर दोनों का रिजल्ट भी क्या आ गया, एक नेचुरल नंबर आ गया, तो हम बोल देंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एडिशन के अंडर में क्लोज होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं हम, वो वैलिड होगी। तो देखो कोई भी 2 एक नेचुरल नंबर उठा लेते हैं, जैसे 3+2 किया 5, तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, रिजल्ट भी क्या आ रहा है,
ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। आप कोई से भी दो नेचुरल नंबर उठा के देख लो, उनका सम हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा। तो हम बोलेंगे कि एडिशन के लिए, नेचुरल नंबर्स के लिए एडिशन वाली प्रॉपर्टी क्या हो, एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सब्ट्रैक्शन में करके देखते हैं, तो जैसे देखो 5 एक नेचुरल नंबर है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 3। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, रिजल्ट भी नेचुरल नंबर है। क्या हमेशा ऐसा होगा? भाई कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी कब बनाई जाती है, जब कोई रूल या लॉ या फिर प्रॉपर्टी कब बनती है, जब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए और हर बार रिजल्ट सही निकल के आ रहा है तो हम उसको लॉ या फिर रूल बना देते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में तो लग रहा है कि भाई यहाँ पे वैलिड है, कुछ और करके देखते हैं। जैसे कि 4 है, -5 किया, भाई 4 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका आंसर कितना आ रहा है, -1। भाई 4 में से -5 करेंगे तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 1 आया, और बड़े का साइन क्या है, माइनस का, इसलिए -1। क्या -1 नेचुरल नंबर होता है? -1 नेचुरल नंबर नहीं होता। अगर ये हमेशा वैलिड होता तो हम बोलते कि प्रॉपर्टी सही है, यानी कि हम बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए जो क्या होगा, मतलब नेचुरल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी। ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मल्टीप्लिकेशन के लिए करके देखो तो 3 × 2 किया, कितना आया, 6। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होगी, ये वैलिड होती है। क्या डिवीजन के लिए वैलिड होती है? जैसे कि 10 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया, 2 आया, और 5 को 10 से डिवाइड करो, 1/2 आ रहा है, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं होता, ये तो होता है भाई। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर ये है, ये नेचुरल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम बोलेंगे कि डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी नेचुरल नंबर वाले केस में। आई होप ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर हम देखते हैं होल नंबर्स के लिए वैलिड है क्या। तो होल नंबर्स में क्या होता है, नेचुरल नंबर में हमने 0 को भी इंक्लूड कर लिया, बस इतना सा ऐड किया। तो होल नंबर्स के लिए देखो 5 + 3 किया, ये भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, यानी ये वैलिड होगी। पहले मल्टीप्लाई के लिए करके देख लेते हैं, 5 × 3 किया, 15 आया। जैसे कि 4 × 0 किया, 0 एक होल नंबर होता है तो 0 आया, यानी कि मल्टीप्लाई के लिए भी क्या होगा, ये वैलिड होगा। ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पहले हम लोग एक काम करते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए सबके लिए करके देख लेते हैं, सभी ग्रुप ऑफ नंबर्स के लिए। इंटीजर्स के लिए जैसे -3 है, ठीक है, और -2 किया तो कितना आया, -8 हो के माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब एडिशन के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। ये देखो यहाँ कर लेते हैं, -3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, रिजल्ट माइनस का आएगा, 3 × 2 = 6। तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है, ये हो गया -6, ये भी इंटीजर है। हम बोलेंगे कि इंटीजर के लिए भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वाले केस में प्रॉपर्टी वैलिड होगी। उसी तरीके से रेशनल नंबर के लिए करके देख लेते हैं, जैसे 1/2 + 3/4 करके देखो, एलसीएम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, सॉरी 4 आ रहा है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1, 1 को 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आएगा, 5/7। तो ये भी क्या है, एक क्यू मतलब रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर के लिए क्या होगा, एडिशन वाले केस में प्रॉपर्टी वैलिड होगी। मल्टीप्लाई के लिए करके देख लेते हैं, तो जैसे 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 3/4 से, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कर दो, तो ये कितना होगा, 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को 2 से करेंगे 8, तो ये भी रेशनल नंबर है, क्यू यानी रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और इसका रिजल्ट भी एक रेशनल नंबर आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये क्या होगी, प्रॉपर्टी वैलिड होगी। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब होल नंबर्स के लिए करके देखते हैं सब्ट्रैक्शन वाले केस में, तो क्या होगा, जैसे मान लो कि 5 − 4 किया तो कितना आया, 1, ये भी होल नंबर दिख रहा है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। फिर देखो जैसे 3 − 7 किया तो कितना आया, -5, तो ये होल नंबर नहीं है। तो एक भी केस में अगर नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फिर आते हैं इंटीजर वाले केस में क्या होता है, तो इंटीजर वाले केस में करके देखते हैं। तो देखो 5 में से माइनस करना है 2, कितना आया, 3, ऐसे ही 3
थ्री में से माइनस करना है फाइव, तो माइनस का टू आया, ठीक है, थ्री माइनस फाइव यानी फाइव में से थ्री घट आया तो माइनस सॉरी टू आया, और माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस का टू आ गया। ये चीज़ आप लोगों को पहले से पता होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ, और बाकी की चीज़ें हम लोग क्या करेंगे लेक्चर नंबर सिक्स में अच्छे से इसको डिस्कस कर लेंगे, जो भी प्लस माइनस के आप लोगों के डाउट है वो सारे उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के क्लियर हो जाए। तो देखो ये इंटीजर है, ये भी 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 इंटीजर, तो हम बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन वाले केस में क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए वैलिड होती है। डिवीजन वाले में वैलिड होगी क्या, ये हम आगे करेंगे, पहले काम करते हैं रेशनल नंबर के लिए भी करके देख लेते हैं। तो जैसे 1/2 है, इसको माइनस किया 3/4 से, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे 4 आएगा इसका, इसमें क्या भाई यहाँ पे क्या है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी सब ऐसा कैसा आएगा। अब 2 माइनस 3 किया तो माइनस का 1 डिवाइड बाई 4, तो ये भी क्यू है, बिलोंग करता है क्यू से, ये भी क्यू से बिलोंग कर रहा है, और ये भी क्यू यानी रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ भी रेशनल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन वाले केस में क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होती है। अब हम देखते हैं कि डिवीजन वाले केस में होगी या नहीं होगी। तो देखो होल नंबर्स के लिए करके देखते हैं, सिमिलरली जैसे यहाँ ले लेते हैं, जैसे माइनस फाइव ने फाइव को क्या किया, जीरो को हमने फाइव से डिवाइड किया, जीरो आया, मतलब ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, ये भी होल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हमने मान लो कि 2 को 4 से किया, तो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, लेकिन इसका रिजल्ट आएगा 1/2, ठीक है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो अगर एक भी जगह पे नहीं हो रहा तो हम बोल देंगे कि वो प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है। ये चीज़ भी आप लोगों की समझ में आ गई होगी। फिर इंटीजर्स के लिए करके देखते हैं, तो इंटीजर के लिए भी यही होगा, माइनस 4 में डिवाइड किया 2 से, तो आया माइनस का 2, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। उसके बाद में अगर हमने एक करके देखा, 5 को डिवाइड किया माइनस 10 से, तो ये आएगा 1/-2, ये इंटीजर नहीं है, यानी कि यहाँ ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी। अब रेशनल नंबर्स के लिए करके देखते हैं, तो देखो 1/2 को डिवाइड करना है 3/4 से, तो डिवाइड करने का क्या तरीका होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया जाता है और इस वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल हम लोग आगे पढ़ेंगे, वैसे तो रेसिप्रोकल का मतलब है न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, यानी कितना होगा 4/3। अब सिंपल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये 2 से ये ऊपर डिवाइड हो गया, 2 टाइम 2 1 जा 2, और ये कितना हो गया 3, यानी कि क्यू, ये भी क्यू था, ये भी क्यू था, और ये भी क्या है, क्यू है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर्स के लिए डिवीजन वाले केस में ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होती है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम अगर केवल रेशनल नंबर्स को पिक करें, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या था, रेशनल नंबर, तो हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन चारों केसेस में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होती है। तो अगर रेशनल नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम बोल सकते हैं कि चारों के चारों केस में क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसका नाम है कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका मतलब समझना पहले, देखो कि इट स्टेट्स दैट वी कैन स्वेप नंबर, अगर हम नंबर को स्वेप कर दें, स्वेप करने का मतलब क्या है, जैसे a प्लस बी लिखा हुआ है तो इसको b प्लस a लिख दिया, a मल्टीप्लाई बी लिखा हुआ है तो उसको b मल्टीप्लाई a, स्वेप करने का मतलब है उसकी जगह बदल दी हमने, आगे वाले को पीछे लिख दिया, पीछे वाले को आगे लिख दिया, एंड ओवर एंड स्टिल गेट द सेम रिजल्ट। अगर हम लोगों ने क्या किया, दो नंबर्स को स्वेप किया, स्वेप करने के बाद में उस पर वही ऑपरेशन परफॉर्म किया, और अगर हमारे को अभी भी रिजल्ट क्या मिल रहा है, पहले जैसा ही मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ क्या है, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इन चारों नंबर्स के केस में क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को कर करके चेक कर करके देखते हैं भाई एडिशन के लिए होगी क्या, सब्ट्रैक्शन के लिए होगी क्या, मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी क्या, तो हम एक एक चीज़ करके देखते हैं। तो देखो पहले हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को करके देखते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को देखेंगे। तो देखो नेचुरल नंबर वाले केस में, तो अगर हम 5+3 करें तो कितना आएगा 8, 3+5 करें तो भी कितना आ रहा है 8, दोनों सेम आ रहे हैं, हम बोलेंगे एडिशन के लिए क्या होगी, कॉमुटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर के केस में एडिशन के लिए वैलिड होगी। मल्टीप्लीकेशन के लिए देख लो, नेचुरल नंबर वाले केस में 5 × 3 = 15 आया, और 3 × 5 करो तो भी कितना आ रहा है 15,
यानी कि नेचुरल नंबर वाले केस में मल्टीप्लीकेशन के लिए भी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होगी। होल नंबर्स के लिए करके देख लो, होल नंबर्स में ले लो भाई, जैसे 1 मल्टीप्लाई 2 ले लिया और 2 मल्टीप्लाई 1 ले लिया, या 0 भी कोई ले सकते हो। तो ये 2 आया, ये भी 2 आया, मतलब यहाँ पर भी क्या है, ये वैलिड है। सॉरी, यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा, एडिशन वाला केस है ये, एडिशन है। तो यहाँ कितना आएगा, 3 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, दोनों सेम है, ठीक है। यानी कि नंबर को सेव करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम बोलेंगे एडिशन के लिए होल नंबर के केस में। यहाँ पे ध्यान रखना, एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, आई और जेड मतलब इंटीजर्स, और क्यू यानी रैशनल नंबर्स की बात हो रही है। मल्टीप्लाई वाले केस में क्या है, जैसे 0 मल्टीप्लाई 5 करो या 5 मल्टीप्लाई 0 करो, होल नंबर में 0 होता है, तो इधर भी 0 इधर भी 0, दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई के लिए भी वे वैलिड होगी। फिर हम इंटीजर वाले केस में देखते हैं, तो इंटीजर वाले केस में क्या होगा, जैसे -2 प्लस 3 किया और 3 माइनस 2 किया, ठीक है, 3 माइनस 2 करो या -2 प्लस 3 करो, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 3 माइनस 2 करोगे 1, 3 माइनस 2 करोगे 1, मतलब इंटीजर्स के लिए भी एडिशन वाले केस में कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होगी। उसी तरीके से मल्टीप्लाई के लिए करके देख लो, जैसे -2 को मल्टीप्लाई करो 3 से और 3 को मल्टीप्लाई करो -2 से, ये माइनस है, ये प्लस का है, तो आंसर माइनस का आएगा, 2 3 जा 6, ये प्लस का है, ये माइनस का, आंसर माइनस का आएगा, 3 2 जा 6, अभी भी दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब कि ये यहाँ भी वैलिड होगी। रेशनल नंबर वाले केस में देख लेते, तो जैसे 1/2 प्लस 3/4, और उसी तरीके से हम लोग अगर करके देखें 3/4 प्लस 1/2 सेम आना चाहिए, अगर आ रहा है तो बोल देंगे है वैलिड। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ रहा है, 4, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, बराबर 4 3 प्लस 2, तो यानी इधर ये भी कितना आ रहा है, 5/4 आ रहा है, और इधर ये भी कितना आ रहा है, 5/4 आ रहा है, मतलब हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर वाले केस में भी एडिशन के लिए कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है। अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी करके देख सकते हो, 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, तो कितना आएगा, 3/8, उल्टा करके देखो, 3/4 मल्टीप्लाई 1/2 रिवर्स ऑर्डर में, तो 3/8 ही आ रहा है, दोनों सेम है, तो यहाँ भी ये प्रॉपर्टी क्या होगी, वैलिड होगी। अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कर करके देखते हैं, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, देखो एक एक एग्जांपल देखते हैं। 5-3 किया 2 आया, 3-5 किया माइनस का 2 आया, दोनों सेम आ रहे हैं क्या, नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं है। जैसे हमने नेचुरल नंबर के लिए लिखा था, वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं, 0-3 किया माइनस का 3 आया, और 3-0 किया तो कितना आया, 3 आया, इधर ये भी वैलिड नहीं है। इंटीजर के लिए क्या करो, -3 में से माइनस करो, ठीक है, 4, तो कितना आ रहा, माइनस का 7, और माइनस के 4 में से माइनस करो माइनस का 3, ध्यान रखना ये एक नंबर है पूरा और ये 4 है, तो 4 में से माइनस करना है कितना, माइनस का 3, तो आंसर कितना आएगा, 7, कैसे, ये माइनस और माइनस बीच में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो प्लस हो जाएगा, और 4 और 3 कितना हो गया, 7, यहाँ पर भी एक जगह -7 आ रहा है, एक जगह पे 7 आ रहा है, ये भी वैलिड नहीं है। ऐसे यहाँ पे 1/2 -3/4 करोगे और 3/4 -1/2 करोगे, तो यहाँ तो कितना आएगा, जब आगे सोल्व करोगे तो 2-3/4 यानी कि -1/4 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 3-2/4 यानी 1/4 आ रहा है, तो यहाँ पर भी वैलिड नहीं होगी। डिवीजन के लिए भी करके देख लेते हैं, डिवीजन के लिए वैलिड होगी क्या, तो नेचुरल नंबर वाले केस में क्या होगा भाई, 5/10 किया तो 1/2 आया, और 10/5 किया तो 2 आया, यानी कि यहाँ वैलिड नहीं है। ऐसे ही हम होल नंबर के लिए करके देखें, तो जैसे 15/3 किया 5 आया, और 3/15 करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 यानी 1/5 आया, सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। फिर हम इंटीजर्स के लिए करें, -6/3 किया तो माइनस का 2 आया, 3 2 जा 6, और माइनस था तो माइनस का 2, और 3/-6 किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा यानी -1/2, यहाँ भी नहीं आ रहा। अब 1/2 को डिवाइड करना है 3/4 से, और एक जगह पे 3/4 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के अगले वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई बना के अगले वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करना है हमारे को, ये कितना आएगा, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं लिख रहा, 4 1 जा 4, 2 3 जा 6,
अभी आगे देखो, टू से भी डिवाइड हो रहा है तो टू अपॉन थ्री, इसका रिजल्ट क्या आएगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यानी कि थ्री अपॉन टू। क्या दोनों सेम है? नहीं है तो हम बोलेंगे कि डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती, किसी भी केस में नहीं होती, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं होती, और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए सभी केसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होगी। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले के लेक्चर्स को एक बार ज़रूर देख लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप लोगों का कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सभी डाउट्स को क्या कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।